हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ कहना है। इन्होंने ये जो अनशन शुरू किया हुआ, इनसे इनको क्या परेशानी हो रही है और ये जो इनकी जो लड़ाई है, हालांकि पहले जो है वो सरपंचों की तरफ से एक आंदोलन चला था लेकिन उसमें इनको जो है सफलता हासिल नहीं हुई थी, तो ऐसे में अब जो है ये किसानों का आंदोलन है, इसमें अपना सहयोग या किस तरह से दे रहे हैं? देखिए, हमें 8 दिन हो गए अनशन करते हुए और 10 दिन हो गए हमारे जो किसान भाई है वो टंकी पे चढ़े हुए हैं और सरकार की है जो आंखें बंद है आज तक, क्योंकि कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं आ रही सरकार की तरफ से, कोई संतुष्टिजनक कोई मैसेज नहीं आया अभी तक, क्योंकि वही बात है कि 90 दिन तक पहले धरना चला था, आज पूरे 100 दिन हो चुके हैं और हमारे जो किसान भाई है अपनों हकों की मांग के लिए आज जैसे भी 90 दिन तक इन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद इन्होंने टंकी पे चढ़ने का निर्णय लिया अपनी जान माल की ना परवाह करते हुए। फिर भी देखो ये सरकार जो है अपनी कूटनीतियों पे उतरी हुई है और जो भी किसानों के हक है उसको खाने का काम कर रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारे किसान भाइयों के खातों में बीमा क्लेम नहीं आता, हमारा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा और जब तक हमारे किसान भाई टंकी से नीचे नहीं आ जाते, हम अनशन पे ऐसे ही डटके खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे में एनर्जी जरूर कम है पर हमारे हौसले बुलंद है। आपने पहले भी आंदोलन किया था सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, तो ऐसे में इस आंदोलन से क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कामयाबी मिल सकती है? देखिए, हमने यही निर्णय ले लिया है कि जब तक ये आंदोलन हम जीतेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, क्योंकि देखने में यही आया है कि हम काफी जीत के नजदीक हैं और ये हमारे हकों की मांग है। हमारे किसान भाई है, देखो कैसे कैसे खेतों में काम करते हैं और उनकी क्रॉप कटिंग की जाती है फसलों की और उसके बाद में उनका बीमा नहीं दिया जाता, तो देखो ये तो सरकार का बहुत ही गलत निर्णय है। फिर भी हम आज यहाँ हमारे हक के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 8वां दिन है, भूख प्यास से परेशानी भी है, ऐसे में अगर प्रशासन कोई जबरदस्ती करके आपको अगर खाना खिलाने के लिए या फिर यहाँ से उठाने का प्रयास करता है क्या? देखो, इस तरह में प्रशासन हमसे कोई भी जबरदस्ती करते हैं तो हम इससे भी बड़ा कदम उठा लेंगे और ये फिर है ना खुद प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी, नहीं तो हम आराम से बैठे हैं और हम हमारा अनशन है वो जारी है और जब तक हमारे किसान भाई टंकी से नीचे नहीं आते हम ऐसे ही डट के मुकाबला करेंगे। सरकार किसान समर्थन के लिए हमारी सरपंच एसोसिएशन नथु श्री चोपटा से 8 गांव के सरपंच यहाँ अनशन पर रहे, जिसमें से एक रीटा कासनिया जो अनशन पर चल रही है, उनके परिवार में कोई डेथ हो गई उसके कारण वो घर रहती है लेकिन है अनशन पर। 7 सरपंच यहाँ आपको मिलेंगे, दड़बा से संतोष बेनीवाल, माखोसरानी से मैं सुभाष कासनिया, कागदाना से मांगेराम बेनीवाल, रूपाबाद से उदयपाल ढिल्लो, कुटाणा से विनोद बागड़ुआ, रूपा से चारवाड़ा से अशोक बेनीवाल, शेरपुरा से मुकेश, इसके अलावा 6 किसान साथी भी है जो हमसे पहले दिन अनशन पर थे, आज 8 दिन हो गए लेकिन प्रशासन से अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी कोई कहीं बात की सुनाई हो रही है। अगर प्रशासन जो जबरदस्ती करता है उठाता है तो क्या प्रयास रहेगा, क्या कुछ करेंगे? प्रशासन अगर किसी प्रकार की जबरदस्ती करता है तो हम इस बात को मानने वाले नहीं है, तो हमें अपने भी प्रयास भी निर्धार करने पड़े, हम इस किसानी आंदोलन को जीते से पहले किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाले नहीं है। क्या लगता है 10 दिन हो चुके हैं, पहले 90 दिन वहाँ पे आंदोलन चला, सरकार की क्या मंशा नजर आ रही है? कल हमारी डिस्चार्ज से 1 से 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये आश्वास किया है कि आज दिल्ली में टेक्निकल कमेटी और चंडीगढ़ के अधिकारियों की जो मीटिंग है उसमें शाम तक जो कुछ है 90% क्लियर हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा किस हिसाब से होगा।